लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, विपक्षी इंडिया गठबंधन से एक एक कर राजनीतिक पार्टियां किनारा करती जा रही हैं। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के झटके से इंडिया गठबंधन उभर भी नहीं पाया था कि अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी सीट शेयरिंग को लेकर एक रेड लाइन खींच दी है। दिल्ली और पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली में एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा है कि हम कांग्रेस को दिल्ली में एक सीट का प्रस्ताव देते हैं, आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संदीप पाठक बस 6 सीट और एक सीट के फॉर्मूले पर ही नहीं रुके, उन्होंने समय पर जवाब न देने की लाइन खींचते हुए ये भी कह दिया कि कांग्रेस की ओर से अगर प्रस्ताव पर समय पर कोई जवाब नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी सभी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में भी मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। दिल्ली के चुनाव में भी आपने देखा होगा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की 0 सीट है, विधानसभा में भी 0 सीट है, एमसीडी में चुनाव हुए उसमें 250 में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हुई है। अगर आप मेरिट बेसिस पे और ये पूरे आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट इस डेटा के हिसाब से नहीं बनती है। लेकिन डेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अलायंस का धर्म है और अलायंस का मान रखते हुए, कांग्रेस पार्टी की मान रखते हुए भी हम उन्हें एक सीट ऑफर करते हैं, तो हमारा ये प्रपोजल है कि कांग्रेस पार्टी एक सीट पे लड़े और 6 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़े। आज कैंडिडेट की घोषणा हम नहीं कर रहे, मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बातचीत शुरू हो, बहुत जल्दी बातचीत का निष्कर्ष निकले, हम सारे अपने काम पे लगे, और अगर फिर भी निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम अगले कुछ दिनों में जो 6 सीट हम कह रहे हैं उन 6 सीटों पे हम उम्मीदवार की घोषणा करेंगे और हम अपनी तैयारी, अपना काम शुरू करेंगे। संदीप पाठक का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दिल्ली और पंजाब में इंडिया गठबंधन की तस्वीर को लेकर कयासों का दौर चल रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ने सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ जारी बातचीत के बीच हाल ही में पंजाब के तरन तारण में एक रैली को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया था। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि सभी 7 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी को देनी है। इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल या तो सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, मगर अब उनकी ओर से 6 सीटों का ऐलान कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।